गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बोलू, गुड आफ्टरनून बोलू, गुड इवनिंग बोलू या गुड नाइट भी बोल सकते हैं। बोरिंग हुआ तो सो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यही तो अडैप्टेबिलिटी है, राइट? कि भाई मजा नहीं आ रहा है, सो लेते हैं। व्हाट डू यू से? सो स्क्रीन पे जो कुछ लिखा है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम करने क्या वाले हैं और हम करने क्यों वाले हैं। ये थोड़ा नीचे 3-4 सर्कल्स में लिखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि आदरणीय श्री सीबीएसई जी महाराज ने अपना टेस्टिंग का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, और वो कितना बदला है, कैसे बदला है, ये आपको तुषार भाई ने उनके वीडियो में बताया। गणित का वीडियो है, बढ़िया। देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो गलत बात है, नुकसान हो गया आपका, और नुकसान की भरपाई करना ऑनलाइन में बड़ा आसान है भाई, जाके देख लो कितनी दूर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बढ़िया से देखिए। उन्होंने बहुत ही साफ सुथरे तरीके में समझाया है कि तरीका कितना बदला है और तरीका बदलने से आपको फायदा क्या है, नुकसान क्या है। स्टूडेंट को बेटा कोई नुकसान नहीं होता, तुम शून्य हो ना, शून्य का कोई नुकसान नहीं होता, शून्य बढ़िया एकदम अपने आप में बैठा रहता है। क्लियर? इस सवाल से एक सवाल याद आता है कि बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा? शून्य मिलता है ना पेपर में अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा? इस सवाल का जवाब आपको इस प्रेजेंटेशन के एंड पे मिलेगा और समझेंगे बात को। तो सुने ध्यान से, ये बात तुषार भाई कर चुके हैं, मैं जा रहा हूं सीधे यहां। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी चिंटू पिंटू फॉर्मूले है। मैंने कोशिश की है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उठाने की, क्योंकि इससे ज्यादा क्या ही पूछ लेगा यार। घुमा फिरा के चिंटू पिंटू रिंकू 3 फॉर्मूले हैं। चिंटू पिंटू रिंकू से दोस्ती कर लो, बोलो तारा रारा। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल हमसे पूछना क्या चाहेगा भविष्य में, और मैं येलो कलर के पेन से लिखना पसंद करूंगा, ठीक है? येलो कलर के पेन से लिखना भी पसंद करूंगा, उसको थोड़ा मोटा रखना भी पसंद करूंगा, और मैंने रख लिया है, राइट? कहानी चल रही है बढ़िया आराम से। तो देखते हैं कहानी क्या कहती है कि करंट ऑफ 4.8 एम्पियर, मुझे लगता है जितनी देर में स्क्रीन पे रुका उतनी देर में आप में से बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है कर लिया है तो, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। और सवाल पढ़ा ही नहीं सर, अभी तो हम देख रहे हैं कहाँ चीज सफेद है और कहाँ चीज काली, तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, आराम से जिएंगे। तो देखो करंट की बात हो रही है, करंट ऑफ 4.8 एम्पियर, 4.8 एम्पियर का करंट है, ठीक है? वो बह रहा है एक कंडक्टर से, कितनी खुशी की बात है कंडक्टर के लिए भी, करंट के लिए भी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड विल बी, ओहो, तो करंट की परिभाषा डेफिनेशन हमें बताती है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एन ई बाय टी होता है, और आपसे एन पूछ रहा है तो ठीक है, कितना सरल हो गया। 4.8 में कलर गलत ले लिया ना, देखा, यही सब तो लापरवाही होती है जीवन में, है ना? आप लोग भी गलत कलर से पेपर लिखे आते हो, टीचर को दिखता नहीं है, फिर आप बोलते हो टीचर ने हमको नंबर नहीं दिया, ऐसा थोड़ी ना होता, टीचर को बड़ा मजा आता नंबर देने में, तुम्हें नहीं आता लेने में। तो 4.8 एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, खत्म। इसके आगे की कहानी आपको पता है, फिर भी मैं करना चाहूंगा। 16 * 3 = 48 होता है, 16 × 3 = 48, क्लियर? 10^19 ऊपर चला गया तो बन गया 3 × 10^19, कितनी सुंदर बात है, ये रहा हाइलाइटेड वर्जन, क्लियर? बढ़िया, पहला सवाल आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, बधाई हो। समझने की बात सिर्फ इतनी थी कि करंट जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम होता है, ये सीखने की बात है, बाकी सब मजाक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे हमें दिखता है अगला सवाल। अगले सवाल में हमें पहला दूसरा शब्द दिख रहा है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे ही आप रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आपके दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए, R = ρL/A की। ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, डिपेंडेबिलिटी ऑन अ कंडक्टर का मटेरियल विच इज रेजिस्टिविटी, उसका लेंथ एल और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर आपको ये पता है तो आप बोलेंगे हाँ पता है भैया, कौन सी इसमें छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, R = ρL/A दिख चुका है आपको, आपने देखा कि क्या क्या दिखा हुआ है। तो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीन इज इतना, अच्छा रो की वैल्यू दी हुई है, बधाई हो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ 50, अगर एक क्यूब है मेरे दोस्त, क्लियर, तो उस क्यूब में एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी, एक हाइट होगी, ये बन जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये बन जाएगा एल। तो ठीक है,
R will be equal to rho 50 into 10 to the power minus a. L, जितना L है उतना L है 50, 10 to the power minus 2 लिखना ना भूले, नहीं तो बहुत मजा आएगा नंबर काटने वाले को और बहुत दुख होगा नंबर ना पाने वाले को, यानी कि आप. अपॉन a, a क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है काम बन गया हमें लगता है. कैसे बन गया, 150 150 150 150, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, ये भाई साहब यहां गए हैं, 10 टू द पावर माइनस 6 की तरह दिखाई दे रहा है कुछ भी, तो आंसर रहा ए. क्लियर, क्या बात है, दो लगातार सवालों का आंसर ए, बहुत अच्छी बात है ये तो, है कि नहीं. आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया हमसे और क्या जानना चाहती है. तो व्हेन द लेंथ, फिर से लेंथ दिख गया दिमाग में, क्या बचेगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक. क्या बोलती है कहानी, कहानी बोलती है व्हेन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर डबल, आपने दोनों को ही डबल कर दिया, आर रो को तो आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप मटेरियल को बदले ना या उसका टेम्परेचर ना बदले, याद करने वाली बात है भाई, क्लियर. एल जो होगा वो होगा 2L, ए जो होगा वो भी होगा 2A, घूम फिर के बुद्धू घर को आए तो क्या होगा, कोई बदलाव नहीं आया जिंदगी में, जैसे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, सुबह उठते हैं बहुत मेहनत करते हैं सब भूल जाते हैं सो जाते हैं, दूसरे दिन फिर गधे है ना, शो सो विल रिमेन द सेम, नो डोंट बी द सेम, ब्रिंग अ चेंज इन टू योर लाइफ. आगे बढ़ना बेटा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट, 10 टुकड़े कर दिए, कोई बात नहीं, 10 टुकड़े करने वाली नीति आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, फूट डालो राज करो, थोड़ा थोड़ा ना आसपास के वातावरण को भी खगोलते रहा करो, सोशल साइंस आसान हो जाएगी, ठीक. सो अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स, बधाई हो, यानी हर वायर का रेजिस्टेंस आर बाय 10 हो गया, इतना सीख हमें मिल गई है. दीज पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, इन सबको पैरेलल कनेक्ट कर दिया. आपको पता है कि अगर n इक्वल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू छोटू r आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर आंसर विल बी r बाय n. एंड एक ज्ञान की बात बता देता हूं एक्स्ट्रा, क्या कि n इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू r व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज देयर आंसर विल बी n इनटू r, ठीक है. यहां किस में कनेक्शन हो रहा है, पैरेलल में, हर की वैल्यू कितनी है r बाय 10, कितने पैरेलल जोड़े जा रहे हैं 10, तो इतना हो गया r बाय 100. R by 100 को दशमलव वाली भाषा में क्या कहा जाता है, 0.01, यानी इसका भी आंसर A आ गया यार, कितनी खुशी की बात है. A बहुत सारे बरस में, इससे पहले वाले का आंसर ये था, नहीं इसका C था, चलो एक बात अलग हुई. अगला सवाल, सर्किट बना हुआ है, डिजाइनर बंदे की जिंदाबाद, और जैसे ही आप सर्किट देखते हो आपके दिमाग में तीन चीजें फटाफट चलनी चाहिए, क्या, V इक्वल टू IR, चाहे हो ओम चाचा की, R इन सीरीज पता है, R इन पैरेलल पता है, बस ये जल गया तो बोलो बस. आगे देखेंगे, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि द करंट इन द एडजॉइनिंग सर्किट, क्या सुंदर वर्ड होता है नहीं, एडजॉइनिंग सर्किट विल बी, करंट की वैल्यू हमसे पूछी हुई है और करंट डिपेंड करता है वोल्टेज बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे. अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है भाई, देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये दोनों मिलकर यहां पर क्या बना लेंगे, 6 ओम, राइट, करेक्ट है, नहीं यार सर 6 नहीं 60. अच्छा भाई पाप हो गया मुझसे, मैं इन पाप का प्रायश्चित कर लेता हूं इरेजर का यूज करके, राइट राइट. और अगर आपको 60 और 30 मिल गया है और वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आपको पता है इनका क्या होता है, इनका क्या होता है, आर इन पैरेलल इज आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू. हमें बहुत मजा आया 20 ओम देख के, तो R इक्विवेलेंट हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया 20 ओम, वोल्टेज सप्लाइड हो गया 2 वोल्ट, कहो बहुत ही अच्छा लग रहा है 1/10 एम्पियर देख के, कितनी खुशी की बात है भाई. देखो अच्छी बात यह है इस वीडियो की कि आपको अगर नहीं चमका कोई बात नहीं, पीछे जाके फिर से देख लो, राइट ऑन नॉट, समझ में आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं कपड़ा नहीं धुला है साफ पहनना ही नहीं, सुखाओ फिर से धो दो ससुरे को, क्लियर. वापस आते हैं, अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल बोलता है दिस इज इट, क्या भाई अगला सवाल है, नहीं भाई ये हेडिंग है, दिस इज इट का क्या मतलब है, वो जो मैंने शुरुआत में पूछा था कि और क्या ही पूछ लेगा, इतने ज्ञान के बाहर क्या ही पूछ लेगा भाई, वो
नहीं पूछ पाएगा, मजबूर कर देंगे हम सीबीएसई को कि बेटा पेपर आउट है, फिर भी तू पेपर नहीं कैंसिल कर सकता, है कि नहीं? सही, आगे बढ़ते हैं। देर आर एट इक्वल रेजिस्टेंसेज आर, जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी, मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में इसके बारे में ऐसी कोई बात की, वो जलना चाहिए दिमाग में, टिंग आवाज आनी चाहिए, ठीक है? क्लियर? क्या जलना चाहिए कि अगर n इक्वल रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू r है, उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया तो nr होगा और पैरेलल में कनेक्ट किया तो r बाय n होगा, ठीक? मेरे r और n में अंतर पाना बहुत मुश्किल है, करो मुश्किल काम थोड़े बहुत तो करो, ठीक है? सो कह रहा है 8 इक्वल रेजिस्टेंसेज है ईच वैल्यू r, 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 को पैरेलल में कनेक्टेड कर दिया तो आपको पता है उन दोनों का आउटपुट आ जाएगा r बाय 2, सच 4 ग्रुप्स आर कनेक्टेड, ऐसे 4 ग्रुप्स है r बाय 2 और इन्हें सीरीज में बनाया, आए हाय, तो सॉरी r बाय 2, फिर से वही पाप कर्म, मुझसे ये पाप कर्म नहीं छूटते, है कि नहीं? आपके पास अब 4 रेजिस्टेंस है, चारों की वैल्यू r बाय 2 है और चारों को r बाय 2 है और चारों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो इसका मतलब उत्तर 2 हो जाए, 4 से गुणा। इस फॉर्मूले का भी यूज हुआ, इस फॉर्मूले का भी हुआ, कितना सुंदर सवाल है बताओ, हाँ है ना? क्लियर, नो डाउट, बढ़िया, बादल बना दिया हमने, ठीक है? ताकि आप छा जाओ, बादल बनोगे तभी तो छाओगे, तभी तो सफलता बरसेगी, है कि नहीं? हाँ, दुनिया में खुशहाली बरसाने की जिम्मेदारी किसकी? तुम्हारी, है कि नहीं? देश का भविष्य कौन? तुम। सबसे पापी कौन? मैं। आगे बढ़ते हैं। टू रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड इन पैरेलल हुज रिजल्टेंट इज 6/8। 6/8 लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी इस आदमी को, 3/4 नहीं लिख सकता था क्या? खैर छोड़ो, ध्यान नहीं देते ऐसे छोटे मोटे लोगों की बातों पर, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि दो रेजिस्टेंसेज आर जॉइंड इन पैरेलल, तो हमें पता होता है जब भी दो रेजिस्टेंसेज को पैरेलल जॉइन किया होता है तो उनकी वैल्यू होती है R1 R2 upon R1 plus R2, ये कितना है 6/8, कहाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज ब्रोकन एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंसेज बिकम 2, मतलब दोनों में से ससुरा एक जो है 2 है। क्या बात है, क्यों? देखो देखो ऐसे क्या है कि कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सरल है। ऐसे टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस यहां से, एक रेजिस्टेंस यहां से, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, उनका आंसर ये है। एक अगर टूट जाता है तो क्या होगा, सिर्फ एक वैल्यू होगी, तो यानी किसी भी एक की वैल्यू 2 है। तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आर वन की वैल्यू 2 है, तो इस तरीके से 2 × R2 upon 2 + R2 = 6/8, 6/8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनती हुई दिखाई दे रही है, क्लियर? बस हो गया, श्योर, क्लियर? कितना, ये 3 है, ये 4 है, यहां पे आ रहा है 8R2 = 6 + 3R2, हाँ है ना? ये भाई साहब यहां गए हैं 5R2 = 6 R2 = 6/5 ओम, शो चार्ली, क्या बात है, अल्फा और चार्ली में खेल रहे हैं यार हम लोग इतनी देर से, बढ़िया है। चमका कि नहीं चमका, चमकना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, हुआ ये कि R1 और R2 दो कनेक्टेड थे, R2 को किसी ने तोड़ दिया तो सिर्फ रेजिस्टेंस R1 बचेगा। जब R1 और R2 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे तो 6/8 था, एक टूट गया तो जो बचा उसकी वैल्यू दी हुई है 2, हमने यूज कर ली, आंसर आ गया हमारे पास, दूसरे की वैल्यू वही तो पूछी, जो टूटा वो कौन था, क्लियर? अगला क्या बोलती है कहानी, कहानी को कुछ भी बोलने दो, आप सुनो। 4 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन द सर्किट इन द गिवन फिगर, बधाई हो, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम कहां है, यहां है, ठीक है, एंड 6 ओम रेजिस्टेंसेज आर रेस्पेक्टिवली, बहुत सुंदर बात है भाई, आपको भी पता है दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, हाँ ना, तो दोनों का आउटकम 2 आ जाएगा, दोनों का आउटकम 3 आ जाएगा, सीरीज का आउटकम 5 ओम आ जाएगा। फिर से ये 4 ओम और 4 ओम के पेयर को आप 2 ओम का बना सकते हैं, राइट, R बाय 2, क्लियर?
राइट, ये 6 ओम एंड 6 ओम के पेयर को आप 3 ओम का बना सकते हैं और फिर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका टोटल 5 ओम बन गया। इसका मतलब बैटरी से निकलने वाला करंट कितना कितना क्या, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है सर, है कि नहीं है, कितना बताओ सर, वी बाय आर 4 एम्पियर। अच्छा जी, तो 4 एम्पियर चल के यहां तक आ रहा है, यहां तक पहुंचेगा और यहां पर दो बराबर टुकड़ों में स्प्लिट होगा। बराबर में क्यों, क्योंकि ऊपर का भी रेजिस्टेंस 4 है, नीचे का भी 4 है, तो इस 4 में भी 2 जाएगा, यहां पर आएगा फिर से स्प्लिट होगा, इसमें भी 2 जाएगा, दोनों का ही आंसर 2 और 2 होगा, जो कि आहा फाइनली अल्फा और चार्ली के अलावा कोई आया डेल्टा, बधाई हो, चमका कि नहीं चमका। बेटा याद रखने वाली बात क्या है इस सवाल में, कि जब भी रेजिस्टेंस एक जंक्शन, करंट एक जंक्शन पर पहुंचता है जहां पर दो या उससे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल बढ़िया। ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, अगर दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो करंट भी इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो करंट किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कभी और सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या। वैसे एक छोटी सी बात बता देता हूं, करंट रेजिस्टेंसेस के जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है ना उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझ रहे हो, समझ जाओ आसान होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, कोई सुने ना हमारी बात, ठीक है। आगे बढ़ने से हमें क्या पता चलेगा, हमें बढ़ने से पता चलेगा कि 9वां सवाल भी है उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, 9वें सवाल में बहुत सारे रेजिस्टेंस रहे ना। दो द करंट फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट ड्रॉन इज, ठीक है, तो आप देखो बहुत अच्छे से हमेशा बैटरी से विपरीत दिशा से चलते हुए आना, ये तरीका बना लो। तो यहां से आप 7, 1 और 10 18 ओम का रेजिस्टेंसेस लाए, तो जो लास्ट का डब्बा है वो सिर्फ एक 18 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। उसके पैरेलल में आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, हाँ है ना, 18 और 6 पैरेलल में मिलके कितना बनाएंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, हाँ है ना, 4.5, क्लियर नॉट, बिल्कुल बढ़िया। यानी कि इसके बाद जो यहां पे रेजिस्टेंस मिला वो 4.5 ओम, यहां तक आ चुका है 4.5 के साथ जो कुछ भी है सब सीरीज में है, तो 8 और 2 10, 4.5 और 5.55 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, आया ना। सो जो R इक्विवेलेंट है वो हो चुका है 15 अंकल ओम, ठीक, श्योर, फिर से समझाओ 4.5 के आगे, हाँ मुझे भी नहीं समझ आया मैंने 4.5 के आगे 15 कैसे बोल दिया, फिर से देखो, देखो बेटा 4.5 तक तो तुम पहुंच चुके हो, कोई समस्या नहीं, 4.5 है कहां, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, सब हटा दो, ये सब कुछ मिलके, इतना सब कुछ मिलके जो आउटकम आया है वो है 4.5। तो अब आपका सर्किट एक छोटी सी डिबिया बन चुका है, ये डिबिया है वो, क्लियर, 4.5 8 और 2 10 14.5 और 0.515 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर। बैटरी 15 वोल्ट की लगी हुई है तो करंट कितना निकलेगा, 1 एम्पियर का, वापस से हम आ चुके हैं 1 को, आया ना, क्लियर 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 क्लियर, बढ़िया, आराम से, बहुत सुंदर। सीखने वाली बातें क्या, सीखने वाली बात नंबर 1 कि हमें बैटरी से दूर से शुरू करना है, क्लियर, और श्रिंक करते हुए सर्किट को लाना है, सीरीज और पैरेलल ज्यादा आसानी से दिखेंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, क्या बात है, फाइनली, खुशी की बात बताऊं, यह आखिरी सवाल है इस वीडियो का, कितनी खुशी की बात है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त और समझते हैं बात को कि कहना क्या चाहता हूं, यहां तो इतने सारे सर्किट है भगवान। सो इफ यू आर प्रोवाइडेड 3 रेजिस्टेंसेज, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें 3 रेजिस्टेंस दिए, 2, 3 और 6 ओम के, ठीक है, हाउ विल यू कनेक्ट देम टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ओके, 2, 3 और 6 के साथ हमें इस प्रकार का खेल खेलना है कि जो हमारा निष्कर्ष आए वो 4 ओम का हो, ठीक है, निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, 6 और 3 के साथ बहुत खेले हो तुम, कहो हाँ। एक बहुत ही याद रखने वाला पेयर है बेटा, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 होता है,
ओके, जैसे ही ये मजा आया टुम, तो ये सीरीज में जुड़ना चाहिए, यानी ढूंढो 6 और 3 पैरेलल में कहां है, यहां रहे, इससे आएगा 2 और इससे भी आएगा 2, दोनों सीरीज मिलके 4। ये तो मुझे क्योंकि याद आ गया था कि 6 और 3 पैरेलल में 2 होते हैं तो ठीक है, बट मान लो नहीं याद आता तो मैं हर एक डिबिया का निकाल रहा होता। कैसे? अगर हम इस डिबिया को देखते हैं पहली वाली, तो 6 और 3 9 और 2 आर इन पैरेलल, सो 9 × 2 / 9 + 2, क्या ये 4 के जैसा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। 3 और 2 5 और 6 5 × 6 / 5 + 6, क्या ये गलती से 4 जैसा दिख रहा है? नहीं, ये तो दिख रहा है, हाँ या ना। 6 × 3 / 6 + 3 3 × 3 = 3 2 = 2 और 2 = 4, शाबाश, नन ऑफ दीज की कोई बात नहीं, क्लियर? श्योर। तो बेटा मैंने कोशिश की है कि पहले वीडियो में कुछ तरीके से, जितने तरीके के, लगभग जितने तरीके के न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं, जैसे देखो ये आवाज आई आपको जहाज के उड़ने की, रुक जाते हैं शायद थोड़ी देर, अगर जहाज की उड़ने की आवाज मेरे को रिकॉर्डिंग में आई तो मैं एडिट कर दूंगा, नहीं आई तो मैं रख लूंगा, है ना? तो शायद जहाज जा चुका है, हल्का हल्का फुल्का फुल्का, बहुत दूर से जा रहा है, जाने देते हैं उसको, वो जाता रहेगा, क्लियर? वापस आते हैं बात को और मुद्दे को समझते हैं कि भैया ये रहा वीडियो, 10 क्वेश्चन समझ में आने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा कि यार ये किए कैसे, कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो बहुत बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं होती। आराम से वीडियो को फिर से देखिए, जो डाउट है कमेंट में मेंशन कीजिए, आराम से आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, और आपके पास कुछ खूबसूरत सवाल है शेयर कीजिए, उन्हें एंटरटेन किया जाएगा, वीडियो में इस्तेमाल किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, और ऐसा नहीं है कहानी यहाँ खत्म होती है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्त, क्लियर? ऐसे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करने वाले हैं हम, चारों फिजिक्स के चैप्टर के, बहुत सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर के, बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टर के, और बहुत सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स के भी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इंटरनेट टाइम एंड बैंडविड्थ बोथ, राइट? थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड डोंट स्टॉप योर हसल, टेक केयर।